वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब है टीकों के द्वारा इंसान के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हम तीन तरह का टीका लगाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद से बच्चों को लगातार 5 साल तक टीका लगाते हैं, जिसमें से अधिकतर टीके 1 साल से कम उम्र में लगाए जाते हैं और ये 11 से 12 जानलेवा रोगों से बच्चों की रक्षा करते हैं। ये हम सब अपने बच्चों को लगाते हैं, गर्भवती माता को लगाते हैं ताकि गर्भस्थ शिशु को और उसे टेटनस की बीमारी ना हो, और ये पूरी दुनिया लगाती है। हमारे ज़िले में एक भी बच्चा या गर्भवती माता छूटती नहीं है इन टीकाकरण से। हाँ, क्यों? इनसे उन्हें सुनिश्चित लाभ होता है। ये बीमारियाँ लगातार कम होती गई हैं और आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया से चेचक नामक बीमारी 1970 में ख़त्म कर दी गई। आज की तारीख में पोलियो हमारे पास नहीं है, पोलियो बीमारी खात्मा हो गया हिंदुस्तान से, और आज के ही तारीखों में खसरा नामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है, टेटनस नामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। ये सब इन टीकों की बदौलत ही है कि हमारे शरीर ने रोग प्रतिरोधक क्षमता इन बीमारियों के विरुद्ध विकसित की। अब ये नई बीमारी आई कोरोना, और जिसका वैश्विक स्वरूप हम सब देख रहे हैं, सबको पता है इस बीमारी का कोई निश्चित सुनिश्चित इलाज नहीं है। हम इनके इलाज में प्रबंधन कर रहे हैं और लक्षणों के आधार पर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसका टीका जो हमारे सामने है, चाहे वो कोविशील्ड का टीका हो या कोवैक्सीन का टीका हो, इनको लगाने के बाद ये देखा गया है कि इनको लगाने वाले इंसानों में ये कोरोना नामक बीमारी यदि हो भी रही है तो उसकी तीव्रता बहुत कम है और वो जल्दी ठीक हो रही है। और ऐसे लोग जो टीका लगा के बीमार हो रहे हैं, कोरोना ग्रसित हो रहे हैं, वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। अनेकों प्रमाण हमारे आसपास हैं, हमारे स्टाफ में, हमारे चिकित्सकों में, आम जनता में यदि टीका लगाने के बाद भी कोरोना हुआ है तो जल्दी ठीक हो गए हैं। तो ये टोटल जो अभी समाज में, समुदाय में ये भ्रांतियां चल रही है कि टीका लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे या टीका लगाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, ये बिल्कुल गलत और तथ्यहीन बात है, अवैज्ञानिक बात है। ये लगाने के पश्चात ही इंसान के रोग प्रतिरोधक क्षमता में, उस रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होनी शुरू होती है। एक टीका लगाने से 50% रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दो टीका लगाने से 80% तक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। यही बात सारे टीकों के लिए है। हम छोटे बच्चे को DPT का टीका लगाते हैं, 1, 2, 3 खुराक पहले साल में, और 1.5 साल में चौथा टीका, 5 साल में 5वां टीका, तब जाके ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और उस बच्चे को अनेकों बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर हम केवल 2 टीके लगा रहे हैं, वयस्कों को लगा रहे हैं, और हमारे धमतरी ज़िले में तो आज तक की बात यह है कि तकरीबन 2,02,000 लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है। इनमें सभी ग्रुप के लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों, चाहे पुलिस और सैनिक कर्मचारी हों, नगर निगम कर्मचारी हों, ग्राम पंचायत कर्मचारी हों, पंचायत के कर्मचारी हों, सबको ये टीके लगाए जा चुके हैं। और आम जन समुदाय को 45 साल से ऊपर तकरीबन 1,55,000 लोग ये टीका लगा चुके हैं कल तक। अर्थात इतने लोगों ने ये टीका लगाया ये सोच के कि इस टीके से हमें प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी, और वो मिल रही है। हम लोगों ने सर्वे कराया और ये बात को जांचा भी कि आप टीका लगाने के पश्चात भी कोरोना होता है। हाँ, होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को, नहीं के बराबर लोगों को कोरोना हुआ, और जिनको हुआ भी वो अधिकतर ठीक हो गए। तो ये बात सुनिश्चित है कि टीका लगाने से रोग से बचाव मिल रहा है। ये बात वैश्विक स्तर पर भी सही है, ICMR के द्वारा सर्वे कराया गया उसमें भी ये बात सही पाई गई है कि टीका लगाने के पश्चात इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आम लोगों से अपील करता हूँ कि टीका ज़रूर लगाएं, अवश्य लगाएं, शीघ्र लगाएं। पूरे ज़िले में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में इसके टीके लगाए जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे को भी हम आज से टीका लगाना शुरू किए हैं, और 45 साल से ऊपर को प्रति दिवस टीका लगाया जा रहा है। टीका ही एकमात्र बचाव का उपाय है। यदि समुदाय में 70% से अधिक लोग टीका लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि समुदाय को हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है, और जब हर्ड इम्यूनिटी नामक
तथ्य प्राप्त हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि बीमारी का खात्मा या बीमारी का कंट्रोल अवश्यम भावी है। अतः मेरा आप सबसे अपील है कि आप समय रहते अपना टीकाकरण करवाएं और इस बीमारी से निजात पाएं। धन्यवाद। जय हिंद।